गाइज वेलकम टू फनाटिक्स गेमिंग दिस इज रुदिका नाम बैक विद न्यू वीडियो ऑफ पबजी और आज आ चुका है रॉयल पास सीजन 17 और बहुत सारी ऐसी अलग चीज़ें आई हैं जो कि पहले देखने को नहीं मिली पुराने जितने भी रॉयल पास के सीजन रहे हैं काफ़ी डिफरेंट रहे हैं इससे क्योंकि कुछ यहाँ पे इवेंट आए हैं कुछ डेली मिशन में चेंजेस हैं और फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द पर फिलहाल अभी सबसे पहले यहाँ पर एक इवेंट आया आर एक्टिविटी पैक तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स द वीडियो सो ये वाला जो इवेंट है इसमें आपको एक आर पी एक्टिविटी पैक खरीदना है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तीन चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है आपको टू थाउजेंड आरपी पॉइंट्स मिल रहे हैं यानी ट्वेंटी आरपी रैंक सीधा पोष्ट हो जाएगी आपकी उससे उसके बाद थ्री सप्लाई क्रेड कूपन मिल रहे हैं और एक क्लासिक क्रेड कूपन मिल रहा है अब इसका कॉस्ट है टोटल टू थाउजेंड यू सी लेकिन ये टू थाउजेंड यू सी आपको वापस मिल सकता है इनफैक्ट अगर आप ऐसी और भी क्रेड्स ख़रीदते हो तो आपको जो है वो सारी चीज़ें वापस मिल सकती हैं देखो रिबेट का मतलब ही ये होता है कि आप जितना भी इस पे पैसा लगा रहे हो वो आपको सारा का सारा वापस मिल जाएगा यहाँ पे आप जैसे 2000 UC लगा रहे हो तो आप 2000 थाउजेंड जो है वापस आप रिडीम कर सकते हो तो अभी फिलहाल आप, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो यहाँ पे पैक बना हुआ है और आप फाइव टाइम्स मैक्सिमम परचेज कर सकते हो टू थाउजेंड यू का जो इसका है इसका कॉस्ट है फाइव टाइम्स मैक्सिमम कर सकते हो अगर फाइव टाइम्स कर लोगे तो आपकी हंड्रेड आर तो पूरी कंप्लीट हो ही जाएगी इससे लेकिन जितना भी यू है वो यू आपको वापस इसी के थ्रू मिल सकता है और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पैक बने हुए हैं वन पैक परचेज करने पे ये मिलेगा टू पैक परचेज करने पे इतना रिबेट मिलेगा सो so, अगर आप पाँच करते हो तो पाँच के पाँच भी आपको रिबेट मिलते हैं अगर आप एक करते हो तो जैसे अगर एक कास्ट का टू थाउजेंड है तो आपको टू थाउजेंड वापस यूसी जो है मिल जाएगा अगर आपने फोर थाउजेंड यूसी जो है इन्वेस्ट किया नहीं, दो पैक खरीदे तो आपको फोर थाउजेंड यूसी एज इट इज वापस मिल जाएगा तो ये वर्क कैसे करेगा सिंपली आपको ये आरपी एक्टिविटी पैक जो है टू थाउजेंड यूसी का वो परचेज करना है वो परचेज करोगे आपको यहाँ पे आरपी पॉइंट्स क्लासिक क्रेड कूपन सप्लाई क्रेड कूपन तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद जो फर्स्ट आप देख रहे हो राइट एंड साइड पे ये चीज़ अनलॉक हो जाएगी अब उसके बाद जो आ, आप नीचे देख सकते हो कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड तो ये सारे जो हैं आपको आ, जो भी यूसी मिलेगा यूसी आपको डायरेक्टली मिल नहीं जाएगा टू थाउजेंड ये वाला पैक ख़रीदने के बाद उसके लिए आपको मिशन एक्टिविटी पॉइंट्स चाहिए होंगे अब जो भी आर पॉइंट्स आपके मिशन के थ्रू आ रहे हैं या फिर जो भी सीजन चैलेंजेस जो भी नई चीज़ आई है अभी यहाँ पे सीजन मिशन आए हैं किस तरीके से भी आप परचेज़ करने के बाद आर पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हो तो उसके बाद जो भी कलेक्ट होंगे वो यहाँ पे रीबेट के उसमें ऐड होते जाएंगे सो तो जब आप परचेज़ करो उसके बाद अगर आप जो भी आरपी पॉइंट्स कलेक्ट करते हो मिशंस के थ्रू या क्रेड्स के थ्रू या किसी भी तरीके से वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स जो आरपी पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए लेट्स आपकी ट्वेंटी रैंक ऑलरेडी हो चुकी है तो वो पॉइंट्स नहीं इसमें ऐड किए जाएंगे जैसे ही परचेज करोगे तो उसके बाद ये चीज़ शुरू होगी और उसके बाद जो भी चैलेंज और मिशन जो भी नया ऑप्शन आपको देखने को मिला है मिशन के अंदर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं मिशंस हैं डेली मिशंस हैं तो वो सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आप थाउजेंड टू थाउजेंड जितना भी लिखा हुआ है आप वहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो और वहाँ से आपको टू थाउजेंड यू जो है मिल जाएगा एंड हाँ ये टू थाउजेंड यू सी मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ अगर आप और ज़्यादा परचेज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा मिलता जाएगा उस अकॉर्डिंग मिलता जाएगा मतलब आप जितना भी परचेज़ कर रहे हो उतना आपको वापस मिल जाएगा बट क्वेश्चन याद है क्या ये डील वर्थ है जितना यूसी यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है क्या इतना वर्थ है इस डील का तो आ, मैं आपको दोनों पॉइंट्स बताती हूँ फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें देखो आप एक बार अगर इसको परचेज़ करते हो तो आपकी हंड्रेड आर तो सिंपली कम्प्लीट हो जाएगी आज के आज ही जैसे आप परचेस करते हो उसी दिन आपकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जितने भी Uh, आपको पॉइंट्स हैं वापस जो आपको मिलेंगे यूसी भी आपको सारा वापस मिल जाएगा आपने टू थाउजेंड अगर पाँच लगाए हैं तो टेन थाउजेंड यू अगर आपने लगाया है तो टेन थाउजेंड यू आपको वापस भी मिल जाएगा एंड फिर उस यू से आप अपना नेक्स्ट सीजन भी परचेज़ कर सकते हो रॉयल पास जो नेक्स्ट सीजन होगा वो भी आप परचेज कर सकते हो साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई क्रेट ओपनिंग में या कोई नई चीज़ में लगाना चाहते हो तो वो भी आपके पास सारे यू हैं एंड प्लस यहाँ पे एक और फ़ायदा है कि जैसे आपकी हंड्रेड आर कंप्लीट होती है तो आप कुछ क्रेट्स रिडीम कर सकते हो सो so, वो क्रेडिट्स तो आप अब रिडीम कर ही सकते हो यूसी भी आपको वापस मिल जाएगा वो फर्दर यूसी जो है आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आपकी जो भी हंड्रेड आर है वो एक दिन में भी कम्प्लीट हो जाएगी ये सारी चीज़ें इसके फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान इसका यही है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा यूसी लगाना पड़ रहा है यहाँ पे आपका अ, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है उसके बाद वो पैसा जो है वो फिर आपके इन गेम चला जाता है तो आप फिर उसके बाद यूसी से वापस पैसे तो नहीं निकाल सकते पैसे से ही यूसी बना सकते हो तो ये चीज़ है कि एक बार यूसी में कन्वर्ट हो गया तो वैसे ही रहेगा प्लस यहाँ पर अभी जो भी बैंक का इशू चल रहा है अभी तक बहुत चीज़ें डाइसी हैं पता नहीं है कि क्या होगा सो यहाँ पर इतना सारा मनी इन्वेस्ट करना अभी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता सही है अगर शायद बैंक का सीन नहीं होता तो, तो मैं फिर भी कहती कि हाँ यार काफ़ी लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए बहुत सही डील है ये लेकिन अभी जब बैन का ही अभी तक कुछ पक्का हो नहीं रहा क्या है क्या नहीं है सो आई कॉन्ट से कि आप इस पर पूरी तरह इन्वेस्ट कर दो बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल पे पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को शेयर कर दो इस साल ना 2021 में 2021 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए मुझे नहीं पता किस तरीके से भी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हाँ टू लाइक्स भी कंप्लीट करवा देना आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो